हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ है कि अगर आप ZX10R को ब्लैक कलर का करोगे तो वो कावासाकी निंजा की तरह दिखेगी। तो कावासाकी निंजा हमने मंगा लिए गाइस S2R, अब मैं मंगाता हूँ ZX10R। अब इसको मैं ब्लैक कलर का करता हूँ तो देखते क्या ये बिल्कुल सेम लगती है कि नहीं। तो ये हमने इसको ब्लैक कलर का किया गाइस, और ये तो बिल्कुल ही सेम लग रही है। ऊपर की टंकी थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा ग्रीन कलर अलग है, लेकिन सामने से भी थोड़ा अलग है। जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है ना वहाँ पे अलग लग रहा है, लेकिन जो इसके टायर है ना, दोनों के टायर देखो गाइस, दोनों के टायर ब्लैक और ग्रीन कलर के शेड में ही है, तो वहाँ से थोड़ी सेम लग रही है। ये देखो, मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आप टायर के कलर्स देखो। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर हेलमेट पहनकर स्काईफॉल करते हैं तो प्लेयर बिना हेलमेट पहनकर नीचे आएगा। तो गाइस, हम लोग पहले बाइक बुला लेते हैं और अपनी इन्फिनाइट हेल्थ की चीट भी लगा लेते हैं, क्योंकि स्काईफॉल भी तो लगानी है। तो हेलमेट पहन लेते हैं पहले। हेलमेट आ गया है हमारे सर पे। अब मैं लगाता हूँ स्काईफॉल का चीट कोड और ये गिरे हम लोग, और इसके सर पे हेलमेट है। तो गाइस, हेलमेट तो ये पहन के ही नीचे गिर रहा है, और क्या पता हमारी ये वाली ट्रिक भी लग जाए कि ये हेलमेट उतारे ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये उतार देगा। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप ट्रेन एंड ATV में एक साथ बैठोगे तो बंदा गायब। तो ATV की चीट कोड है 2222। तो ये बैठे हम लोग ATV में, अब इसको हमें साथ वाला ग्लिच लगाना है, तो बिल्कुल साथ में खड़ा करना पड़ेगा। ऑप्शन तो आ गया, ठीक है। ये बैठे हम लोग और बंदा ट्रेन के अंदर घुस गया है, और इनविजिबल ग्लिच यहाँ से भी लग गया गाइस। पता नहीं लेकिन मेरा बंदा कहाँ घुस गया यार, ट्रेन के इंजन में कहीं तो घुसा पड़ा है, ड्राइविंग सीट में तो नहीं होगा, ये बहुत पीछे चला गया था और इनविजिबल ग्लिच लग चुका है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर आप स्काईफॉल वाली ग्लिच करोगे और इनविजिबल ग्लिच भी करोगे तो देखो मैजिक। तो दो ग्लिच साथ में करना यार, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। पहले से इन्फिनाइट हेल्थ की चीट लगा के रख लेते हैं। ये हॉर्स और बाइक आ गए, अब मुझे इनके बीच में जाना पड़ेगा, है ना। यहीं से तो ऑप्शन आएगा क्या? नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। एक तो ये हॉर्स आगे चला गया, अब इसको पीछे धक्के मारने पड़ेंगे। तो हॉर्स और बाइक दोनों का ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे साथ में बैठना भी है और चीट भी लगानी है। ये स्काईफॉल लगाया, ये बैठा, और देखते हैं क्या होता है। तो मेरा बंदा नीचे गिर रहा है और बहुत दूर गिर रहा है लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने ग्लिच लगा है ये वहाँ पे नहीं गिर रहा है, ये रोड के साइड गिर रहा है। ये गिरा, तो ये हम गिरे, और इसके तो आर पार वैसे भी जाता है स्काईफॉल वाली चीट कोड से, और तो कुछ नया नहीं हुआ यहाँ पे, जो होता था वही हुआ है। तो कुछ मैजिक मुझे लगा नहीं, इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि कोबरा बाइक का हैंडल मूव होता है लेकिन उसका व्हील लेफ्ट राइट मूव नहीं करता। अब ये मिथ तो हमने पहले भी लिया था, लेकिन उसने सही से समझाया नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका जो हैंडल है ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, ओके, लेकिन व्हील मूव ही नहीं कर रही। अब समझ में आएगा, ये देखो इसकी फ्रंट व्हील देखो भाई, फ्रंट व्हील मुड़ ही नहीं रही है, पूरी बाइक मुड़ रही है। तो ये है इस मिथ का मतलब, ओके। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है यार, क्योंकि बाकी बाइक में तो होता ही होगा ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि यार पूरी बाइक कैसे मुड़ रही है बिना टायर के मुड़े हुए। अब हम लोग यही चीज़ दूसरी बाइक में देखते हैं गाइस। तो इसमें देखो फ्रंट टायर है ना, ये देखो ये मुड़ रहा है ना, तभी तो बाइक मुड़ रही है, बिना टायर के मुड़े बाइक कैसे मुड़ेगी। तो ये सिर्फ कोबरा बाइक में होता है, इसलिए ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि दो फॉर्च्यूनर लाओ और साथ में उनके बैठो, फिर जिसमें नहीं बैठे हो उसके पास जाओ, फिर देखो मैजिक। तो मैंने दोनों फॉर्च्यूनर मंगा लिए, ठीक है। अब मैं दोनों को साथ में लगाता हूँ, उल्टी उल्टी लगानी पड़ेगी तभी हम लोग ग्लिच कर सकते हैं। तो ये आगे साथ में, और अब मुझे लगता है हम साथ में बैठेंगे, क्योंकि कार का तो एक ही ऑप्शन आता है, ठीक है। दोनों गेट खुल चुके हैं तो ग्लिच हमारा लग चुका है। अब मैं इसको थोड़ी आगे करता हूँ, अब उतर के हमें जिस पे नहीं बैठे उसके पास जाना है। तो चलते हैं हम लोग पीछे, ठीक है, उसके पास, और देखते हैं क्या मैजिक होता है भाई। ओके, यहाँ आए, और ठीक है टायर मुड़ता है, जब उसको मुड़ो और ये गेट खोलो, तो भाई ये गेट तो मेरे पीछे लग गया, और इसने बंद गेट को फिर बंद कर दिया और फिर अंदर बैठ गया। तो यहाँ पे ग्लिच डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन शायद ये गेट की बात हो रही होगी या टायर की बात हो रही होगी। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमें बाइक लेकर घर के बाहर जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसके पास जाना है, फिर बाइक को चिपकाना है ग्रीन बॉक्स से, फिर चढ़ के उतर जाना है, फिर बाइक का ऑप्शन आते रहेगा, फिर कार के पास जाके उसमें बैठना है, फिर देखो मैजिक। बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ग्लिच बता दिया इनने, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैं वैसा करता हूँ। देखो मैंने बाइक चिपका दी और मैं उतर गया, ठीक है, अब बाइक गिर गई। अब मेरे को डब्बे के ऊपर चढ़ना शायद, और यहाँ से नीचे उतरना, और बाइक का ऑप्शन आते रहना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो ग्लिच हमारा आधा हो चुका है,
अब मुझे एक कार मंगानी है और उसके अंदर बैठना है। तो ये आ गई कार और ये बैठे और ये कुछ तो हुआ, एक टांग ऊपर उठी और ओके बैठ गए। तो हम लोग अभी कार और बाइक दोनों में बैठे क्योंकि इसकी जो टांगे हैं ये कार की तरफ जा रही है और हाथ भी वहीं जा रही है लेकिन बाइक चल रही है। ओके मेरे को समझ में आ गया। देखो गाइस जिस तरफ कार है ना उस तरफ इसके हाथ पैर मुड़ते हैं, मतलब कार इसको अपने पास बुला रही है लेकिन ये बाइक के ऊपर ही बैठा है तो इसलिए ऐसा ग्लिच हो रहा है। तो इसमें बहुत अलग अलग फनी पोजेस ये ले लेता है। देखो जैसे जैसे कार का डायरेक्शन मुड़ेगा ये भी अपने हाथ पैर मुड़ेगा और मुझे जो लगता है उल्टा भी कर लेगा। और भाई सीधा कर लेगा तो कितना फनी लगेगा यार। ये देखो ये तो योगा पोज में आ गया है और एक टांग नीचे रख के भी एक ऊपर रखा हुआ है। तो अलग अलग चीजें गाइस ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि इन्फिनाइट हेल्थ प्लेयर को अब नहीं मार सकते। तो गाइस शायद से इन्फिनाइट हेल्थ की चीट को अब फुल इन्फिनाइट हेल्थ कर दिया गया है, मतलब आप आउट हो ही नहीं सकते अगर आपने लगा दिए तो। लेकिन हम लोग चेक जरूर करेंगे। तो सबसे पहले चीज जो कि आपको सबको पता होगा कि स्काईफॉल लगाने पे या फिर कहीं से भी गिरने पे इन्फिनाइट हेल्थ फुल काम करती है, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन्फिनाइट हेल्थ लगने के बाद भी पहले हमें पुलिस मार देती थी लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पुलिस वाला आ चुका है, अब ये मुझे भर के गोलियां मारेगा और देखते हैं क्या ये मुझे मार पाता है कि नहीं। हेल्थ तो शायद पहले भी कम नहीं होती थी है ना, कम से कम 10-12 गोलियों में तो हमारा बंदा आउट हो ही जाता था। अब देखते हैं। लेकिन मार भाई तू मार, हो सकता है कि बहुत देर बाद हो, ये भी हो सकता है, इसलिए हम बहुत देर तक खड़े रहेंगे आज, इसकी गोलियां खाते रहेंगे। बाकी पुलिस वाले तो गधे ही हैं भाई, सही में घूमते जा रहे हैं इधर उधर, ये नहीं आके मुझे मारे। 2000 years later. तो बहुत ज्यादा गोलियां इसने मुझे मार लिए तो ये तो पक्का है कि ये तो हमें नहीं मार सकता है। अब और बाकी चीज चेक करते हैं। अब आपको तो मालूम होगा कि RPG से अगर हम लोग खुद को मार लेते थे तो भी हम लोग आउट हो जाते थे पहले, लेकिन अब देखते हैं। ये मैंने नीचे मारा और अब वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पहले वाइब्रेट होता था तो हेल्थ कम हो ही जाती थी। लेकिन अब गाइस देखो 3 RPG मार दिए मैंने, 4 मार दिए तो हम लोग RPG से भी अब आउट नहीं हो सकते। तो अभी तक तो ये फुली काम कर रहा है, अभी तक हम एक बार भी आउट हुए नहीं है। और ये कोई गाड़ी मेरे ऊपर आ गई, ये लो गाड़ी फोड़ दी। पहले होता था शायद कि गाड़ी फोड़ने से भी हम आउट हो जाते थे लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। अब इतने सारे पुलिस वाले तो हमें मार ही रहे, साथ में हम लोग है ना डायनासोर को भी ले आते, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं पागल हूं। तो चलते हैं गाइस अपन लोग जुरासिक पार्क की तरफ, इनसे तो नहीं होगा। अबे ये कौन आ गया गाड़ी वाला, चल हट जा यहाँ से। अरे यार इसने गाड़ी अटका दी। ओ नहीं मेरी हेल्थ कम हो गई गाइस, यहाँ पे देखो, ये आप देख लो गाइस कैसे वेस्टेड हो गए हम लोग क्योंकि हम लोग गाड़ी के अंदर अटक गए थे। तो आउट तो होता है। अब चेक करते हैं हमारे जुरासिक पार्क के डायनासोर से, क्योंकि पहले इन्फिनाइट हेल्थ इन पे काम नहीं करती थी, ये हमें आराम से मार देते थे। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है अब भी ये मार देगा क्योंकि ये आ गया है ना गुस्से में बस। और देखते हैं, ओके अभी तक तो खाया नहीं है, ओके ये खड़े हो चुका है एक जगह पे। तो गाइस अब इन्फिनाइट हेल्थ लगाओगे तो डायनासोर आपका खून नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो डायनासोर आपको नहीं मारेगा, ये देख लो इन्फिनाइट हेल्थ से ये होता है। पहले वो हमें मार देता था, अब ये हमें छू भी नहीं रहा है। अब नेक्स्ट गाइस, आपको तो मालूम होगा कि हम लोग जब स्टिकी मैन बन जाते हैं और खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं, स्टिकी बॉम्ब हमारे ऊपर लग जाता है ना, तो भी हम लोग आउट हो जाते हैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा हो तो भी। तो देखते हैं अब ये होता है कि नहीं। तो ये बन गए हम लोग स्टिकी मैन, अब इन्फिनाइट हेल्थ लगी हुई है। ठीक है मैंने निकाला फोन, ये क्या एक्टिवेट और हम लोग आउट हो गए गाइस। तो फुली काम नहीं कर रहा है अभी भी, तो इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम जुरासिक पार्क में जाएं तो अब हमें न्यू ट्री दिखेंगे। तो गाइस हम लोग जुरासिक पार्क में ही हैं और अब आप देख सकते हो सारे नए पेड़ आ चुके हैं इधर। ये नए हैं कि पुराने, नए लग रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हरे लग रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा कलरफुल हो रहा है, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक और चीज आप देखोगे तो पहले हमारे वाले पेड़ रहते थे जिसमें ना किसी में ना पत्तियां नहीं रहती थी, तो वो वाले पेड़ अब हट चुके हैं गाइस, बिना पत्ती वाले है ना वो नहीं है। अच्छा लेकिन यहाँ पे बिना पत्ती वाले पेड़ है और छोटे छोटे पेड़ ऐड कर दिए गए गाइस। ठीक है यहाँ पे कुछ नए छोटे छोटे बिना पत्ती वाले पेड़ ऐड कर दिए। तो पूरा जुरासिक पार्क मैंने घूम लिया गाइस और यही दो नए पेड़ ऐड किए हैं, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको लें अगली वीडियो में न्यू अपडेट के। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।